बात करी थी, वो हमने बात करी थी कि भाई आप कमेंटिंग कैसे करोगे, इनपुट कैसे करोगे, डिस्प्ले कैसे करोगे, इफ़ स्टेटमेंट कैसे यूज करोगे, इफ़ एलिफ कैसे लगाओगे। याद रखना इसमें इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तुमने एक हमें व्हाट्सएप किया था मैसेज, उसमें तुमने वहाँ पे क्या करा था कि तुमने एल्स को इधर लिख दिया था, इसलिए तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे जरूरी है कि इंडेंटेशन हमारा प्रॉपर होना चाहिए। और इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स की भी बात करी थी, और मैंने आपको ये प्रोग्राम दिया था कि भाई सबसे पहला तो चलो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और आज हम बेसिकली अभी 1 से 2 दिन हमें पाइथन में प्रोग्राम्स लिखने हैं कई सारे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि पाइथन के सिंटेक्स से तुम फैमिलियर हो जाओगे, क्योंकि पाइथन में जो सिंटेक्स है थोड़ा सा अलग है, वही नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो हम लोग सिंटेक्स वगैरह फॉलो करते हैं वो अलग है, और पाइथन के अंदर जो हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं वो थोड़ा सा अलग है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि 1 से 2 दिन हम लोग यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स कर सकते हैं उन प्रोग्राम को करने की कोशिश करें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने पाइथन की तरफ चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आइडियली, और ये हमारा यहाँ पे पाइथन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यू नीड टू डिस्प्ले ऑल द नंबर फ्रॉम 10 to 1, 10 से लेके 1 तक हमें सारे नंबर को डिस्प्ले करने हैं। तो ठीक है भाई, मैं डिस्प्ले करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ न्यू फाइल में, और हमारा ये क्वेश्चन है कि 10 से लेके 1 तक डिस्प्ले करना है। तो मैं देखता हूँ कि भाई फॉर लूप से हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर बोलता हूँ फॉर आई इन रेंज। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि भाई मैं स्टार्ट कर देता हूँ 10 से, और 10 से लेके मैं 0 तक जाता हूँ, ठीक। और मैं यहाँ पर स्टेप लगा देता हूँ -1, देखता हूँ कि काम करता है या नहीं करता है। यदि मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट आई, और यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पे, अब यदि मैं इसे यहाँ पे रन करूँ, अरे वाह ये भी काम कर रहा है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और इस तरीके से हमने यहाँ पे 10 to 1 हमने सारे नंबर्स को डिस्प्ले करवा दिया। जस्ट हमने लूप को रिवर्स कर दिया, हमने 10 से स्टार्ट करवाई, 0 तक गए, और हमने वहाँ पर स्टेप दे दिया -1। और इसी काम को हम वाइल्ड लूप का यूज़ करके भी कर सकते थे। यदि मान लो मैं इसी काम को वाइल्ड लूप का यूज़ करके करूँ, तो मैं इसको ऐसे कर सकता था, वाइल सी लेस देन इक्वल टू, वाइल सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भाई जब तक वो इससे बड़ा हो या ग्रेटर देन 0, जब तक वो इससे बड़ा हो तब तक आप अपना काम करो। और मैं यहाँ पर क्या बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ प्रिंट सी, सी को मैं प्रिंट कर देता हूँ, सी -1 मैं कर देता हूँ, और ऊपर मैं सी को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ सी इज इक्वल टू 10, ठीक। अब मैंने ऊपर में यहाँ पे सी को 10 दे दिया। अब यदि मैं इसको डिस्प्ले करवाऊँ और यदि मैं रन करूँ इसको, तो अब ये यहाँ पे सी इज इक्वल टू सी -1 कर दो, ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको, ये देखो ये भी काम कर रहा है, 10 9 8 7 6 5। तो मेरे कहने का मतलब चाहे मैं इस तरीके से काम कर लूँ या मैं इस तरीके से काम कर लूँ, ये दोनों हमारे आउटपुट हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए। हम दोनों तरीके से उस प्रोग्राम को बना सकते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोग्राम था, वो दूसरा प्रोग्राम के अंदर हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था, और पहले प्रोग्राम को हमने 2 तरीके से बनाए। और इसी काम को यदि मैं बात करूँ कि भाई हमें 2 का टेबल डिस्प्ले करना है, तो मैं 2 का टेबल यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करूँगा, बहुत मुश्किल सवाल है ये, और इस सवाल को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2 का टेबल डिस्प्ले करना है, चलो करके देखते हैं। फॉर आई इन, अब हम यहाँ बोलते हैं रेंज, कहाँ से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है, और स्टेप क्या रखना है, 2। अब यदि मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट आई, तो अब देखता हूँ भाई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अरे वाह ये भी काम कर गया, लेकिन ये क्या, ये 18 तक ही आया, इसीलिए क्योंकि भाई आप इसको 21 कर लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि 1 कम चलता है वो। ये देखो यहाँ पर 2 से लेके 20 तक हमारी सारी वैल्यू निकल गई, सामने आ गई। तो ये रहा जी यहाँ पर कितना आसान है प्रोग्राम बनाना। यहाँ पर छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं भाई, एक एक लाइन में आपको वेरिएबल्स वगैरह बनाना तो है नहीं, मेन लॉजिक के ऊपर काम करना है और अपने इंडेंटेशन को सही रखनी है। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड प्रोग्राम का आउटपुट है, हमें 2 का टेबल दिखाना है, हम कैसे दिखाएंगे। और अब आ जाओ, मेरा कहना ये था कि जितने भी इवन नंबर हैं वो डिस्प्ले करने हैं 1 से लेके 20 तक। ये ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20 आई नीड टू डिस्प्ले। अब यदि मैं बोलता हूँ कि मुझे ये काम करना है, तो ये काम हम यहाँ पर करेंगे कैसे, ये काम हम यहाँ पर करेंगे कैसे, तो करते हैं फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर आई इन रेंज, और कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से लेके कहाँ तक जाना है, हमें 21 तक जाना है, और मुझे सारे इवन नंबर डिस्प्ले करने हैं।
तो इवन नंबर डिस्प्ले करना है तो अगेन मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ 2 से, इवन नंबर स्टार्ट करनी है ना मुझे, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2, ऊपर वाला ही सवाल हो गया ये तो। और अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रिंट, मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रिंट आई, तो ये हमारा काम कर रहा है। ये देखो 2 से लेके 20 तक जितने भी इवन नंबर हैं सारे आ गए। अब तुम बोलोगे सर ये तो सेम ही हो गया, ये सेम नहीं हुआ, अब एक काम करो मुझे 5 का टेबल डिस्प्ले करवा लो। तो मैं यहाँ बोलता हूँ फॉर आई इन रेंज कहाँ से स्टार्ट करोगे, 5 से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक जाओगे, 51 तक जाओगे, स्टेप क्या कर दोगे, 5 कर दोगे। तो ये 5 का टेबल हो गया और ये आपने इवन नंबर निकाल लिए, सारे इवन नंबर निकाल लिए कहाँ से लेके कहाँ तक, हमने 1 से लेके 20 तक सारे इवन नंबर निकाल लिए। इसके अलावा हमारा जो अगला सवाल था वो ये था कि भाई आपको नाम और एज एंटर करनी है, और यदि एज जो है ग्रेटर देन 40 है तो ये डिस्प्ले करना है, अदरवाइज आपको ये डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, हम इफ लगा देंगे और इफ के ऊपर हम कंडीशन लगा के यहाँ पे चेक कर लेंगे, दैट्स इट। अब आइए, ये तो हो गया कुछ बेसिक्स प्रोग्राम, कुछ बेसिक प्रोग्राम की बात मैंने कर ली है यहाँ पे, और मैं काम करता हूँ इसको उठा के यहाँ मैं आप कॉपी कर देता हूँ, तो बेहतर ये होगा कि मैं नोट्स आपको लेके दे दूंगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैं यहीं पे कॉपी कर देता हूँ और अब हम आते हैं कुछ लॉजिक बिल्डिंग की तरफ। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक की, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लॉजिक आप कैसे बिल्ड करोगे। लॉजिक बिल्ड करने का मतलब है कि मुझे वहाँ पर करना क्या है, वह मुझे लॉजिक बिल्ड करनी है। तो लॉजिक बिल्ड करने का मतलब क्या है कि आप देखो कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स हमें बनाने होते हैं, उन्हीं प्रोग्रामिंग को यूज़ करके हम लोग लॉजिक बिल्ड करते हैं। अब जैसे मान लो मेरा एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मेरा सवाल है कि आपको एक नंबर एंटर करना है, एंटर ए नंबर एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर, मुझे क्या करना है उस नंबर का डिजिट निकालना है। भाई आपको नंबर एंटर करना है और नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, मतलब इसका ये हुआ कि यदि मान लो मैंने नंबर यहाँ पे दिया है 234 तो मुझे आउटपुट क्या मिल जाना चाहिए, 3। अब ये काम आप करेंगे कैसे, तो चलो हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। कुछ प्रोग्राम आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, उसके बेस पे आप सारे काम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ एंटर नंबर, और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ डिस्प्ले द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर। अब ये काम आप कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ n इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ और मैं यहाँ बोलता हूँ int, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ इनपुट, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंटर नंबर। भाई जो भी नंबर है आपने अपना इनपुट करवा दिया, ठीक। अब इनपुट करवाने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। तो नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, मुझे नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। तो ये जो नंबर है मेरा, अब मैं देखो इसमें ऐसा क्या करूँ कि मुझे 3 मिल जाए, और इस नंबर को मैं एक एक करके 10 से डिवाइड कर दूँ, तो 10 से डिवाइड करूँगा तो एक बार क्या मिलेगा, 23 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मैं इसको तब तक 10 से डिवाइड करूँ जब तक वो नंबर 0 ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चला देता हूँ, मैं बोलता हूँ व्हाइल एन नॉट इक्वल टू 0, तब तक हमें काम करना है जब तक n की वैल्यू क्या हो जाए, 0 नहीं, ठीक। अब मैं यहाँ, हाँ बताओ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ c इज इक्वल टू c प्लस 1। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ c, और c की मैं इनिशियल वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पे 0। जो हमारा c है, C की इनिशियल वैल्यू को मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया C इज इक्वल टू 0। हाँ जी मीनाक्षी जी आ गए, कहाँ रहते हो भाई जी? सर भाभी ले रही थी फोन, तो मुझे बताना। चलो चलो ठीक है, अब ये स्टार्टिंग करा है। ठीक है, मेरा ये सवाल है कि एंटर ए नंबर एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर। आपको एक नंबर एंटर करना है और उसका नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। नंबर ऑफ डिजिट निकालने का मतलब क्या है कि भाई मैं जो भी नंबर दूं उसके हिसाब से वो डिजिट निकाल के दे दे। तो हम यहाँ पे कैसे करते हैं, मान लो मैंने इनपुट ले लिया, मैंने यहाँ पर व्हाइल लूप चला दिया, मैंने यहाँ पर बोला व्हाइल एन नॉट इक्वल टू 0 और एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10 कर लिया, सी प्लस प्लस कर लिया, और फाइनली मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, किस चीज़ को, मैं यहाँ पे सी को प्रिंट कर देता हूँ, तो हमारा काम हो जाना चाहिए। लेकिन अभी आपका काम हो नहीं पाएगा, अभी यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारा काम जो है हो नहीं पाएगा, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या करना है,
अभी हमारा काम यहाँ पे हो नहीं पाया। तो हम लोगों को करना क्या है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे आता हूँ। अब ये काम क्यों नहीं हो पाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, रन करके देख लो एक बार। मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ, ये क्या, ये तो कुछ और हो गया, ये तो वो हुआ ही नहीं जो हम चाह रहे थे। इसका कारण क्या है जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे जो हमारे स्लैश ऑपरेटर होता है ना, दो तरीके के होते हैं। देखो अभी मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये देखो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे डेसिमल वैल्यूज मिल रही हैं 2.5। मुझे तो केवल इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट 5 डबल स्लैश 2, 5 डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो याद रखना, यदि आप इंटीजर पोर्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डबल स्लैश लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे डबल स्लैश लगाता हूँ। और जब मैंने यहाँ पे डबल स्लैश लगा दिया, अब यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पर नंबर डाली और मैंने यहाँ पर नंबर एंटर करा 3, 4, 5, मुझे मिल गया 3। अब थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से डिस्प्ले करवा दो। तो मैं यहाँ बोलता हूँ द नंबर ऑफ डिजिट इज, नंबर ऑफ डिजिट इज, जो हमारा नंबर ऑफ डिजिट है वो कितना है, तो मैं बोलता हूँ कि सी। अब मैं इसको रन करूँ, यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ, ये देखो आ गया द नंबर ऑफ डिजिट इज 4। अब मुझे क्या करना है इस प्रोग्राम को, भाई मैंने तो आपको बता दिया, मुझे पता था तो मैंने लिख दिया। अब आप कैसे समझोगे इस प्रोग्राम को? देखो किसी भी प्रोग्राम के अंदर लॉजिक को बिल्ड करने के लिए, यदि आप शुरुआत में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो लॉजिक बिल्ड करने के लिए आप प्रोग्राम को ड्राई रन किया करो। क्या करो? ड्राई रन। अब ये ड्राई रन क्या होता है, बचपन में तुम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते होगे, और जब मैथमेटिक्स पढ़ते होगे तो वहां पे कई सारे इक्वेशन आते होंगे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। और अपने गुरुजी को देखते थे, वो क्या करते थे, एक्स की वैल्यू एज्यूम कर लेते थे 100, वाई की वैल्यू एज्यूम कर लेते थे 100, और वो सारा काम वो बोर्ड पे करते थे। और पता नहीं क्या करते थे, क्या करते थे, क्या करते थे, फाइनली वो मिला देते थे एक्स इज इक्वल टू वाई, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो मेरे कहने का मतलब, ये जो प्रोसेस है ना बॉस, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई रन करना। प्रोग्रामिंग लॉजिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोग्राम को ड्राई रन करें। हम लोग गलती क्या कर देते हैं, हम लोग की लॉजिक बिल्ड क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को मशीन पे लिखना शुरू कर देते हैं, मशीन पे ही रन करते हैं। आउटपुट आता है या नहीं आता है, सेमी कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन हटा दिया, अब क्यों लगाते हैं क्यों हटाते हैं हमें पता नहीं है जी, हमने तो बस लगा दिया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने प्रोग्राम को ड्राई रन करें। अब ड्राई रन आप कैसे करोगे इस प्रोग्राम को, तो मैं इसको ड्राई रन करता हूँ। ड्राई रन कैसे करोगे, चलो मैनुअली सारा काम करो। सबसे पहला लाइन ये एग्जीक्यूट करेगा, इनपुट एंटर नंबर, यस इनपुट एंटर नंबर। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एक नंबर डाल दो, एन इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ 754, 765, सी इज इक्वल टू 0, लिखो यहाँ पे सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0, वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, यस एन नॉट इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 765। अब वो यहाँ पे आएगा, एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, एन डिवाइड बाई 10, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 76 हो जाएगी। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस 1, सी की पुरानी वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। फिर ये लूप चलेगा, वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, यस एन नॉट इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 76। अब मैं बोलता हूँ एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ एन इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ 7, और मैं यहाँ पे सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, पुरानी वैल्यू कितनी है 1, अब फिर इसमें 1 ऐड हो रहा है, तो अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगेन ये लूप चलेगा, चूंकि एन की वैल्यू 0 नहीं है, एन की वैल्यू क्या है 7 है, अब यहाँ पे हमारे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। अब ये लूप नहीं चलेगा, चूंकि एन की वैल्यू क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है ना। अब मैं बोलता हूँ प्रिंट द नंबर ऑफ डिजिट इज सी, तो यहाँ पे सी डिस्प्ले करेगा, क्या डिस्प्ले करेगा, सी इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम को ड्राई रन कर लेते हैं। तो ड्राई रन करना जरूरी है, मतलब आप कॉपी और पेन ले लो, और कॉपी और पेन लेके, मैं तो नोट पैड में यहाँ पे कर रहा हूँ, आप कॉपी और पेन ले लो और कॉपी पेन लेके प्रोग्राम को ड्राई रन जरूर किया करो, और 2-3 बार ड्राई रन करो। जितना बेहतर तरीके से आप ड्राई रन करोगे, आप बिलीव करें इस बातों को, आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक उतनी बेहतर होगी।
तो ये हमारा प्रोग्राम था और ये हमारा काम कर रहा है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इसका आंसर है। अब इस शुरुआत में एक दो दिन हमें यहाँ पे सारे पाइथन के प्रोग्राम ही लिखने हैं, ढेर सारे प्रोग्राम लिखने हैं, जिससे कि मैं इसके सिंटेक्स से फैमिलियर हो जाऊँ। चलो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और देखो, एक तो तरीका ये है, मैंने आपको ड्राई रन करवा दिया, ये बिल्कुल देसी तरीका है, ये बिल्कुल देसी तरीका है प्रोग्राम को रन करने का, आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। बताऊँगा इस तरीके से डिबग कैसे करते हैं, अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे स्थगित करते हैं। तो ये हमारा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये हमारा क्वेश्चन था, नंबर एंटर करना था, नंबर ऑफ डिजिट निकालना था। चलो हम आते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ। मैं बोलता हूँ एंटर नंबर एंड डिस्प्ले इच डिजिट ऑफ द नंबर, जितने भी डिजिट हैं इच डिजिट ऑफ दैट नंबर, एक एक करके सारे डिजिट को डिस्प्ले करना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, मुझे काउंट तो करना नहीं है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ व्हाइल एन नॉट इक्वल टू जीरो। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ बी इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ बी को, और मैं बोलता हूँ एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10। बस रन कर दो इस प्रोग्राम को। अब यदि मैं रन करूँ, मान लो मैं नंबर देता हूँ 6789, देखो क्या आ रहा है 9876, एक एक करके आपने डिस्प्ले कर दिया डिजिट को। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो मैं इसको देखता हूँ ट्राई रन करके। मैं इसको ड्राई रन करके देखता हूँ कि भाई ये प्रोग्राम रन कैसे करेगा। सबसे पहले मैं नंबर लेता हूँ, तुम यहाँ पर बोलते हो b इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10, b इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10 का मतलब क्या है, b की वैल्यू क्या होगी, वाइल एन नॉट इक्वल टू जीरो, यस एन नॉट इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, 4, 5, 6 को 10 से डिवाइड करो और रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बच जाएगा, यदि मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो जो हमारा रिमाइंडर होगा कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, वो 6 को डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे तुम क्या बोल रहे हो n इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45, फिर ये लूप चलेगा। अब तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो, जो हमारी b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 45 मॉडुलस 10, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 को तुम डिस्प्ले कर दोगे, और अगेन हमारा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4.5, और चूंकि इंटीजर लेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ गया। अब यहाँ पे फिर हमारा b की वैल्यू कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, 4, उस 4 को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा, इस 4 को डिस्प्ले कर देगा, और अब यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि n ऑलरेडी हमारा 0 हो चुका है, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 6, 5, 4। तुम्हें याद होगा पिछले वाले प्रोग्राम में आपने क्या करा था, एक एक करके डिजिट को हटाया था, इस वाले प्रोग्राम में मैंने क्या करा है, एक एक करके जिस डिजिट को तुमने हटाया था उस डिजिट को मैंने डिस्प्ले करवाया। तो ये हमारा सवाल था कि भाई आपको एक एक करके नंबर एंटर करनी है और उस नंबर को डिस्प्ले करना है, तो आप ये काम कैसे करोगे, ये काम आप कैसे करोगे। तो जब कभी भी मुझे ये काम करना है तो इस तरीके से हम यूज़ करें। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि भाई जो भी मैं यहाँ पे नंबर इनपुट करूँ, मैं चाहता हूँ एंटर नंबर एंड डिस्प्ले रिवर्स ऑफ दैट नंबर, भाई जो भी नंबर तुम एंटर करो उसका रिवर्स निकाल दो। अच्छी बात है भाई, अब हम रिवर्स के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये राज हमारा, मैं रिवर्स के लिए कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पे सिंपली बोलता हूँ आर इज इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस बी। अब यहाँ पे R की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, और यहाँ पे R को डिस्प्ले कर दो। ये तीन प्रोग्राम जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, हमेशा तुम्हें ध्यान रखना होगा। मैं यहाँ पे R को डिस्प्ले कर देता हूँ, रन करो नंबर इनपुट करो, ये देखो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 7654 आ गया।
अब ये आउटपुट आ कैसे रहा है भाई, हम इसको ड्राई रन करते हैं। तो ड्राई रन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसको ड्राई रन करते हैं, और ड्राई रन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ बोलते हैं बी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लेते हैं एन, एन की वैल्यू कितनी है, मान लो मैं बोलता हूँ 6/8, आर इज इक्वल टू 0, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी 0, वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, यस एन नॉट इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 6/8, बी इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10, बी की वैल्यू कितनी होगी बताओ, बी की वैल्यू कितनी होगी 67, आर की वैल्यू कितनी होगी, आर इंटू 10 0 प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू क्या है 67, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 8 होगा ना, 0 इंटू 10 0 होगा, अब आर यहाँ पे आर हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और अगेन यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 67 हो जाएगी, फिर ये लूप चलेगा, अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आर इंटू 10, आर की प्रीवियस वैल्यू कितनी है 8, 8 इंटू 10 कितना होगा 80 प्लस 7 है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 87 आ जाएगा, और अगेन हम यहाँ पे क्या बोलते हैं एन इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हमारा 6 हो जाएगा, अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू 10, 87 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होगा 870, 870 में आप 0 ऐड कर दो, सॉरी 0 कहाँ से आ गया, 6 होगा नहीं है, तो उसमें 870 में 6 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 876 आ जाएगा, 876 आ जाएगा, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, तो क्या अब ये लूप चलेगा, नहीं चलेगा, तो फाइनली जो आपने वैल्यू दिया था 678 उसका आउटपुट क्या मिल रहा है 876। तो ये जो तीन प्रोग्राम है ना, इस तीन प्रोग्राम की ये लॉजिक आप याद कर लेना, अब आपको जितने भी प्रोग्राम बनाने हैं इन्हीं लॉजिक पे बेस पे आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, ये तीन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिवर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले कैसे करेंगे, और एक एक करके डिजिट को कैसे डिस्प्ले करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपने रिवर्स निकाल दिया, यहाँ पे आपने डिजिट को एक एक करके डिस्प्ले कर दिया, और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ डिजिट निकाल दिया। तो ये जो प्रोग्राम है हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये हमें किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये सारे प्रोग्राम तो हमें पता होने ही चाहिए कि हम कैसे करते हैं। अब मान लो मेरा सवाल है भाई, मैं ये सवाल आपसे करता हूँ कि भाई आपको एक नंबर लेनी है, एंटर ए नंबर एंड डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर, आपको नंबर लेना है उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल का मतलब समझ लो, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 5 का फैक्टोरियल हो, तो रिजल्ट क्या आएगा 120। दूसरा सवाल है मेरा कि एंटर नंबर, आपको एक नंबर एंटर करना है और चेक करना है कि जो हमारा नंबर है, नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, वो नंबर हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब पैलिंड्रोम नंबर का मतलब समझते हो, पैलिंड्रोम का मतलब जो उल्टा सीधा एक समान जो बोलते हैं ना, जैसे 1:1, 1:1 को रिवर्स भी करोगे तो क्या मिलेगा, 1:1 ही तो मिलेगा। तो जो भी आपका नंबर है उसको आप रिवर्स करो, रिवर्स करने के बाद आप चेक करो कि जो आपका एक्चुअल नंबर है वो रिवर्स नंबर के बराबर है, और यदि बराबर है तो वो पैलिंड्रोम है। इसी तरह से तीसरा मेरा सवाल क्या है कि आपको क्या करना है, आपको एक नंबर एंटर करना है, एंटर नंबर एक नंबर एंटर करना है और डिस्प्ले करना है सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर, डिजिट ऑफ दैट नंबर जो नंबर है उसका डिजिट निकाल का सम निकालना है। जैसे मान लो मैं नंबर देता हूँ 2, 3, 4, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा 3 + 4 + 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। समझ में आई बात। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एंटर नंबर, एक नंबर एंटर करना है एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर, आपको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट का मतलब 2, 3, 4, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। समझ में आ रही है बात। अब मान लो मैं बोलता हूँ डिस्प्ले
आपको एक नंबर एंटर करनी है और चेक करनी है कि नंबर हमारा प्राइम नंबर है या नहीं. एंटर नंबर एंड चेक द नंबर इज, मुझे चेक करना है द नंबर इज प्राइम और कॉम्पोजिट. आपको चेक करना है कि जो नंबर है हमारा प्राइम है या कॉम्पोजिट है. प्राइम नंबर का मतलब जानते हो ना, जैसे 5 है, 5 कौन से नंबर से डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा, वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं. अब जैसे मान लो मेरा 19 है, 19 कौन से नंबर से डिवाइड होगा, या 1 से होगा या 19 से होगा, यानी कि जो नंबर 1 से डिवाइड हो 1 से सारे होते हैं, और जो खुद से डिवाइड हो इसके अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं. तो आपको एक नंबर एंटर करना है, चेक करना है कि जो हमारा नंबर है वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है. और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा सवाल है डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर नंबर फ्रॉम फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है सबको डिस्प्ले करना है. ये सवाल आप लोगों को बनाना है और ये बना के मुझे कल दिखानी है. कल जो मैंने सवाल दिया था वो तो मैंने बनाया, आज ये मैंने आपको सवाल दिया था तो ये मैंने बता दिया भाई कैसे बनेगा, मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनेगा. और ये जो मैं सवाल आपको दे रहा हूँ ये आपको कल बना के दिखानी है, नहीं तो कल हम लोग इसके ऊपर फिर से बात करेंगे. और इसके बाद ये देखो, इतना प्रोग्राम कम से कम 10-20 प्रोग्राम लिखना पाइथन में ज़रूरी है. मैं आगे के टॉपिक को भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, फिर तुम सिंटेक्स में कंफर्टेबल नहीं रहोगे. तो कम से कम 5-10 प्रोग्राम इसमें लिख लोगे पाइथन के अंदर, तो यू पीपल विल बी कंफर्टेबल विद द पाइथन सिंटेक्स. प्रोग्राम को लिखना कैसे है, फॉर कैसे लगाना है, वाइल कैसे लगाना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ कंटिन्यू लगाना है. तो जब तक आप पाइथन के अंदर, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है पाइथन को, उसी तरह से है जब हम फर्स्ट टाइम साइकिलिंग करते हैं ना, तो जब फर्स्ट टाइम साइकिलिंग करते हैं तो शुरू में बड़ी दिक्कत होती है, 1-2 दिन बैलेंस बनाने में, 1-2 बार गिरते भी हैं, आपके प्रोग्राम में एरर भी आती है, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान रखना होता है, अलाइनमेंट्स का ध्यान रखना होता है, कहाँ से लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेसेस तो होती नहीं है कि कहीं भी लिख दो काम कर जाएगा. तो उस प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि 2-4-5-10 प्रोग्राम तो हम कर ही लें. तो कल हम लोग इस प्रोग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे. आज तुम लोगों को ये सारे प्रोग्राम बनाने हैं पाइथन के अंदर, कल हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे आगे, जो भी हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे उन चैप्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे. बात समझ में आई? ये प्रोग्राम मैं नहीं भी करवाऊंगा तब भी चलेगा, ये सारे प्रोग्राम नॉर्मली बच्चे C++ वगैरह में करते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के आपको करवा रहा हूँ. एक तो लॉजिक आपकी रिफ्रेश हो जाएगी, थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाएगा लॉजिक कि कैसे लगाते हैं क्या करते हैं. दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आ जाएगी कि पाइथन में सिंटेक्स हम किस तरीके से यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आपको आज यही काम करना है, प्रोग्राम्स लिखने हैं और देखना है कैसे रन करना है, क्या आउटपुट होना है. अब जैसे ये फैक्टोरियल निकालना है आप निकाल सकते हो, नंबर निकालना है नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको रिवर्स निकाल के दिखाया. अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि उल्टा सीधा एक समान. तो ऊपर वाले प्रोग्राम को यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसी 3 प्रोग्राम का यूज करके आप सारे प्रोग्राम बना लोगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा सा आपको बैठ के करना पड़ेगा. इट्स इम्पॉर्टेंट कि भाई आप सिंटेक्स से फैमिलियर हो जाओ, अदरवाइज हमेशा दिक्कत ही आती रहेगी पाइथन के अंदर. समझ में आई बात?